हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकुर @651। तो दोस्तों, आज मैं अंकुर कुमार आज आपके सामने एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। आजकल आपने देखा होगा कि जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपको लोन लेने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो उसमें क्या होता है, सिविल देखा जाता है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि सिविल भी दो टाइप के होते हैं। चार कंपनियाँ हैं इसकी, एक तो सिविल है, इक्विफैक्स है, एक्सपीरियन है, और इसमें हाई मार्क होती है, ये सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो इसमें आपका सिविल स्कोर जो होता है कहीं कहीं देखा जाता है डिफरेंट मिलता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये क्रेडिट स्कोर क्या होता है। क्रेडिट स्कोर वो होता है जो इससे हमारी वित्तीय साख का पता चलता है कि जैसे आपने किसी बैंक से लोन लिया है, छोटा सा देखो आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, तो उसमें क्या होता है, तभी आपका क्रेडिट मतलब वित्तीय साख कि आपने किसी से कर्ज लिया है और उसके उस कर्ज को आप किस तरह से मतलब लोकल भाषा में कहें तो पटा रहे हैं या उसकी पेमेंट किस तरह कर रहे हैं, कि आप सही तरीके से उसकी पेमेंट कर रहे हैं कि EMI आपने मिस तो नहीं की है। अगर आपने EMI मिस करोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है। तो इसी तरह के जो क्रेडिट स्कोर होता है उसमें आपको कभी कभी लो होता है और कभी कभी आपका हाई होता है। तो क्रेडिट स्कोर हाई तभी होता है जब आप लोन लेके उसको सही तरीके से पटाए मतलब उसके पेमेंट करेंगे, सही टाइम पे आप EMI अपने भरते हैं, तो ये आपका होता है क्रेडिट स्कोर। इसमें क्रेडिट स्कोर के बारे में तो आपको पता चल गया। तो आइए देखते हैं कि टाइप ऑफ क्रेडिट जो क्रेडिट स्कोर होता है, किस तरह का क्रेडिट स्कोर हम कंपनियां जो होती हैं बैंक होते हैं वो किस तरह से चेक करते हैं जबकि हम एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए नहीं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो दोस्तों जो सिविल स्कोर होता है, जब आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक हो गए, जो नॉन बैंकिंग कंपनी होती है NBFC, वो भी अगर आप वहाँ से लोन लेंगे तो उसमें भी वो आपका सबसे पहले क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। लेकिन क्रेडिट स्कोर को देखने के लिए आपने भी कभी कभी देखा होगा, जब आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं तो सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, सिविल देखते हैं अपना कि भाई सिविल कितना। तो एक ये सिविल जो है ये अपना क्रेडिट स्कोर नहीं है, एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है भी जिसका है ट्रांस यूनियन सिविल। ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है एक्सपीरियन, एक होता है इक्विफैक्स और एक होता है CRIF हाई मार्क। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो आपका सबसे ज़्यादा परिचित है लोग वाक सिविल से, सिविल में सबसे पहले हमारा जो क्रेडिट स्कोर होता है अपडेट होता है, उसके बाद एक्सपीरियन होता है और इक्विफैक्स होता है और CRIF हाई मार्क होता है। ये इनमें कभी कभी डिफरेंट, आप जब भी आप अपना सिविल चेक करोगे सिविल में अलग दिखाएगा, इक्विफैक्स में अलग दिखाएगा, एक्सपीरियन में अलग दिखाएगा। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण ये होता है कि जो जब आप लोन की पूरी पेमेंट कर देते हैं या आपकी EMI कोई मिस होती है तो उसको सही टाइम पे उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, मतलब एक साथ चारों कंपनियों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है, तो हमारा सिविल इन चारों कंपनियों के पास अलग अलग दिखाता है। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ सिविल और टाइप ऑफ क्रेडिट स्कोर। तो आइए देखते हैं हमें अपना सिविल किस तरह सही रखना चाहिए। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि जो हमारा सिविल स्कोर होता है, इसमें आम बोलचाल में तो सिविल स्कोर ही बोला जाता है, वैसे तो ये होता है क्रेडिट स्कोर। तो हमारा सिविल स्कोर पे इफेक्ट किस तरह पड़ता है, कितने सिविल स्कोर पे हम लोन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे सबसे पुअर माना जाता है 500 से 650, 650 से 750 तक गुड होता है, 750 से ऊपर 900 तक जो सिविल स्कोर जाता है वो एक्सीलेंट भी माना जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर है तो बैंक आपको खुद ऑफर करेगा लोन देने के लिए या क्रेडिट कार्ड देने के लिए। और अगर आपका सिविल स्कोर 650 से 750 के वो अंडर में है, बीच में है, तो जब आप बैंक में लोन लेने जाओगे तो बैंक आपको बिना किसी हेजिटेशन के आपको लोन दे सकता है। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर 550 से 650 के बीच आ जाता है तो वो एवरेज में आ जाता है और बैंक जो है उसमें आपको लोन देने के लिए बहुत ही मुश्किलों से लोन देगा, वरना नहीं देगा उसमें, क्योंकि ये पुअर माना जाता है। अब मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि जैसे 550 से 650 आपका सिविल कब होता है, सिविल के जो हमारा क्रेडिट स्कोर होता है वो 300 से लेकर 900 तक देखा जाता है। तो इसमें 550 से 650 तक हमारा सिविल स्कोर पुअर में आता है, वो कब आता है, जब हम EMI मिस करते हैं, सही टाइम पे जो हमने लोन लिया है उसकी जो EMI जैसे आम बोलचाल में किस्त बोला जाता है, अगर हम किस्त अपनी सही टाइम पे नहीं चुकाएंगे तो हमारा सिविल स्कोर डाउन होता चला जाएगा। अगर आपने कोई लोन लिया है, लोन लेके नहीं भरा है तो आपको वो कंपनी डिफ़ॉल्ट घोषित कर देती है, तो उसमें आपको लोन नहीं मिलता है। अगर आपके सिविल में डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ गया तो बैंक आपको लोन नहीं देगा कोई भी कंपनी। तो 650 से 750 का जो होता है वो गुड के अंडर में आता है, गुड में होता है कि
इसमें आपको बैंक गोल्ड लोन दे सकता है। 750 से जो ऊपर का जाता है वो एक्सीडेंट में निकल जाता है। तो ये था इफेक्ट हो उस सिविल स्कोर पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको अपना सिविल अच्छा बनाए रखना है तो आपको EMI टाइम टू टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी। आजकल बहुत सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का यूज़ हो रहा है, क्रेडिट कार्ड की यूटिलाइजेशन। और हाँ, एक तो ये तो हो गया हमारा EMI मिस होती है तब सिविल इफेक्ट पड़ता है। दूसरा आपने देखा होगा कि आप लोन लेने के लिए क्या करते हैं कि बार बार अपना सिविल चेक करते हैं। अगर बार बार अपना सिविल चेक करोगे तो उसमें भी आपको जो सिविल है वो भी डाउन हो जाएगा, क्योंकि इंक्वायरी होती है तो उसमें बार बार सिविल अगर अपना चेक करोगे तो उसमें आपका सिविल स्कोर डाउन होता चला जाता है। एक ये होता है क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन में भी आपका सिविल डाउन होता है। तो दोस्तों ये था किस इफेक्ट ऑन सिविल स्कोर। अब तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आपको अपना सिविल मेंटेन करना चाहिए। तो आइए देखते हैं अगले पार्ट में। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, हमने इसमें आपको बताया कि हमारा जो हम लोन लेने जाते हैं तो क्रेडिट स्कोर हमारा क्यों चेक किया जाता है। मैंने बताया था कि हमारा क्रेडिट स्कोर से ही हमारा ये पता चलता है कि हमारी आम बोलचाल में बोले कि उपाय क्या है, कि हमारा लेवल क्या है, कि हम किस तरह पेमेंट कर रहे हैं। सिविल से ही पता चलता है बैंक को कि हम लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। आप किसी भी प्रकार का लोन लो, होम लोन लो, कार लोन लो, एजुकेशन लोन दे लो, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो। अगर आपका सिविल अच्छा है तो ये चीज़ें आपको मिल सकती है। होम लोन में तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि तो सिविल मैं एक चीज़ में आपको बताने को कि सिविल क्यों देखा जाता है। सिविल इसलिए देखा जाता है कि बैंक जो सबसे पहले ये कंफर्म करता है कि इस पर्सन ने जो पिछला लोन लिया है वो सही समय पर चुकाया है या नहीं है। और अगर आपका सिविल ठीक है, सिविल आपका तब ठीक होगा जब आपने EMI सही टाइम पे पेमेंट करी है। तो इससे बैंक को ये कंफर्म हो जाएगा कि हम जो इसको लोन देने जा रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं डूबने वाला है। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।